हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4, और वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा आसान भी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। आज का जो टॉपिक है ये हमारे डेली लाइफ से क्या है, रिलेटेड है। तो क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल, आज हम लोग इसको बहुत डिटेल से समझेंगे, और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कन्फ्यूज़न इसके बारे में, मैं कोशिश करूंगा कि उन सबको क्लियर करूं। तो आज हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं जो PCI की तरफ से बनाया गया है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़ना है, ठीक। उसके बाद पढ़ना आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है, यानी डेफिनेशन आपको इसमें पढ़ना, डेफिनेशन यानी कम्युनिकेशन स्किल की डेफिनेशन पढ़ना है। फिर उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ने हैं कि कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है। तीसरा इसमें पढ़ना है आपको इंटरेक्शन विद प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट, जो प्रोफेशनल हैं और जो पेशेंट हैं उनसे कैसे हम लोग बात करें, ठीक। और चौथा हमको पढ़ना है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। पाँचवा हमको क्या पढ़ना है, रिटन कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज और पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होता है कम्युनिकेशन, या क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल। तो चाहे हम लोग कम्युनिकेशन बोलें चाहे कम्युनिकेशन स्किल बोलें, आप समझिए कि बात एक ही है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपस में बातचीत करना, आपस में क्या है, बातचीत करना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो मैं बोल के आपसे कोई बात करूं, चाहे वर्ड्स यूज़ करूं, चाहे मैं कोई मैसेज आपको लिख दूं, चैट करूं, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन है। चाहे मैं कोई इशारा करूं, जैसे कि मान लीजिए ये इशारा खूब यूज़ होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, मैंने यूँ इशारा किया, तो मैंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ मैंने यूँ इशारा किया, तो आप क्या समझ गए कि ये कह रहा है कि खाना आपने बहुत क्या अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी बनाया, यम्मी बनाया एकदम। तो जो भी तरीके से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा दूं, वो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो चलिए अब हम लोग डिटेल से देखते हैं, और किताबी डेफिनेशन क्या है वो भी देखते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन स्किल इज ए प्रोसेस इन विच टू और मोर पर्सन शेयर देयर व्यूज, सजेशन, एविडेंस, थॉट्स, आइडिया, इमोशन एंड फीलिंग्स। तो क्या कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा काम है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो लोग या दो से ज़्यादा लोग अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं। अपने व्यूज़ यानी जो उनके दिमाग में कोई बात है, कोई सोच है उनकी, या फिर उनका क्या कोई सजेशन है, कोई मशवरा है, कोई सलाह है, या कोई दलील वो क्या है अपनी बताना चाह रहे हैं किसी को, या तो फिर उनकी जो सोच है, जो थॉट है उसको, या उनके दिमाग में कोई आइडिया है, या कोई इमोशन को वो शेयर करना चाह रहे हैं, या कुछ फीलिंग को वो शेयर करना चाह रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं जो आदमी, एक आदमी अपने ज़रिए से किसी दूसरे को शेयर कर रहा है, चाहे वो जिस भी तरीके से हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। और इसी को अच्छे तरीके से करना तो एक तरीके का क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल है। जैसे कि मान लीजिए बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात को करते हैं, तो उसी बात को बहुत अच्छे से करना यह तरीके क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल हो जाता है, ठीक। अब हम लोग समझेंगे कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो किन किन चीज़ों से मिल के बनता है। हालांकि हर आदमी जानता है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल जो वर्ड्स हैं उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चूंकि ये सब हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले कभी, तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो सबसे पहला क्या है, सेंडर या इनकोडर, सेंडर या इनकोडर। तो क्या होता है सेंडर, तो जो शुरू कर रहा है कोई बात किसी को दे रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप बात मेरी सुन रहे हैं, तो मैं क्या हो गया, सेंडर, यानी मैं सेंड कर रहा हूँ कोई मैसेज, कोई थॉट, कोई इमोशन, कोई फीलिंग, कोई व्यूज, कोई सजेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं सेंड कर रहा हूँ, मैं एनकोड कर रहा हूँ। इसको हम लोग, जो मैं दे रहा हूँ ना किसी को, ये मैसेज भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सब इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एनकोड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एनकोड या एनकोडिंग कर रहा हूँ, ठीक। तो इसीलिए इसको एनकोडर भी बोलते हैं, ठीक। तो जो बात किसी को दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंडर। सेंडर कौन होता है, द क्रिएशन ऑफ मैसेज, यानी जो कोई मैसेज को बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, जैसे कि मैं अभी क्या हूँ, एक तरीके से सेंडर हूँ, आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, चाहे वो कोई सा भी मैसेज हो, चाहे मैं किताब से दे रहा हूँ, चाहे कहीं से भी दे रहा हूँ, मैं अभी क्या हूँ आपके लिए, सेंडर हूँ, एनकोडर हूँ, ठीक है। तो सेंडर क्या होता है, द क्रिएटर ऑफ मैसेज और आइडिया। ए सेंडर मे बी ए सिंगल पर्सन, अब जो सेंडर है वो कोई एक सिंगल पर्सन, सिंगल आदमी हो सकता है, जैसे अभी फिलहाल मैं क्या हूँ, सेंडर, अकेला हूँ, या तो फिर क्या हो सकता है, कोई एक ग्रुप हो सकता है, यानी एक ही बात को हो सकता है बहुत सारे लोग एक साथ मिल के कह रहे हों,
ऐसे ही चाहे वो क्या है कोई एक आदमी हो जो कि क्या है एक पूरे एक ग्रुप की तरफ से कोई बात पहुंचा रहा हो, कोई एक आदमी हो और पूरे एक ग्रुप की तरफ से बात पहुंचा रहा हो तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सेंडर कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी डीएम के ऑफिस पे जाते हैं, बहुत सारे लोग कोई बात अपनी रखनी रहती है तो ये नहीं कि जितने लोग गए हैं सब लोग जाके उससे बात करते हैं, बल्कि सबकी तरफ से कोई एक आदमी तय होता है और वो क्या करता है डीएम के पास अपनी बात रखता है तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सेंडर कहेंगे। जैसे कि क्लास के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है यानी पूरी क्लास की तरफ से वो बात रखता है तो ये क्या है, ये पूरे ग्रुप की तरफ से जो बात रख रहा है उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सेंडर कहेंगे। अब इससे ये समझ में आया कि जो भी कोई बात किसी को दे रहा है, कोई थॉट अपनी दे रहा है, कोई बात कह रहा है, कोई मैसेज दे रहा है तो वो क्या हो गया, सेंडर। ठीक, अब जो बात वो दे रहा है किसी को वो क्या होता है, मैसेज होता है। ठीक है, अब दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है, मैसेज। अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कोई बात दे रहा हूँ, मैं ये आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा रहा हूँ तो एक तरीके से ये क्या है, मैसेज है। मैं एक बात आपको दे रहा हूँ, मैं एक थॉट दे रहा हूँ, मैं एक थिंकिंग दे रहा हूँ, एक नज़रिया दे रहा हूँ आपको, एक सजेशन दे रहा हूँ, एक नॉलेज दे रहा हूँ तो ये सब क्या है, एक तरीके का मैसेज है। ठीक है, तो मैसेज क्या होता है, दिस इज द थिंग दैट सेंडर वांट्स टू शेयर टू द रिसीवर। अब मैसेज क्या होता है, तो मैसेज वो चीज़ है जो सेंडर यानी समझिए कि जो बात करने वाला वो किसी दूसरे को शेयर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैसेज बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आया रिसीवर, तो जिसको हम लोग कोई मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं हो गया सेंडर, और जो बात मैं बोल रहा हूँ वो हो गया मैसेज, और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ तो आप लोग क्या हो गए, रिसीवर। जैसे कि मान लीजिए आप व्हाट्सअप हर कोई चलाता है तो आपने क्या किया, टाइप कर रहे हैं कोई बात तो आप क्या हो गए, सेंडर हो गए या एनकोडर हो गए। ठीक, और आप जो चीज़ लिख रहे हैं मान लीजिए किसी आपने लिखा हाउ आर यू, तो हाउ आर यू ये क्या हो गया, ये हो गया मैसेज, और जिसको आपने भेजा अपने फ्रेंड को भेजा तो आपका फ्रेंड क्या हो गया, रिसीवर हो गया। ठीक, तो आप रिसीवर भी समझ चुके हैं। चौथा जो एलिमेंट है वो क्या है, मीडियम। मीडियम या चैनल जिसको हम लोग कोई सोर्स भी कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, सोर्स या जरिया, यानी जिसके माध्यम से हम अपनी बात किसी को पहुंचा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी बात किसी को पहुंचा रहे हैं, अपने मैसेज को किसी तक पहुंचा रहे हैं, अपने थॉट को किसी तक हम शेयर कर रहे हैं, वो क्या होता है, चैनल या मीडिया होता है। क्या होता है, चैनल या मीडियम। और बहुत सारे चैनल है तो बहुत सारे मीडियम है तो उसको हम लोग बोलेंगे मीडिया। ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा, इंग्लिश का एक ग्रामर है ऐसा कि जैसे मीडियम है उसको जब हम लोग प्लुरल बनाते हैं तो कह देते हैं मीडिया। ठीक, तो मीडिया क्या हो गया कि जो हम अपनी बात जिस सोर्स के जरिए से जिस माध्यम से किसी को पहुँचा रहे हैं तो वो क्या हो गया, मीडिया हो गया। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी एक माध्यम है, हालांकि वो मैसेज तो है लेकिन ये एक माध्यम है। या मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ तो ये एक माध्यम हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कैमरा है और रिकॉर्ड करके मैं आपको भेज रहा हूँ तो ये भी माध्यम हो गया। ऐसे यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बात बता रहा हूँ तो यूट्यूब भी क्या हो गया, एक मीडियम हो गया। ऐसे ही मान लीजिए मैं डायरेक्टली माइक लेके और बोल रहा हूँ लोग सुन रहे हैं तो वो भी एक माध्यम हो गया। ऐसे ही मान लीजिए फेसबुक के जरिए से मैं आपको पहुंचा रहा हूँ तो फेसबुक एक क्या हो गया, माध्यम हो गया। टीवी चैनल के जरिए से पहुंचा रहा हूँ तो टीवी चैनल भी क्या हो गया, एक माध्यम हो गया। सैटेलाइट यूज़ हो रहा है तो सैटेलाइट भी क्या हो गया, एक माध्यम हो गया। तो जिस भी जरिए से मैं अपना मैसेज किसी को पहुँचाऊँ तो वो क्या हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चैनल या मीडियम। अब पाँचवा जो एलिमेंट है वो क्या होता है, फीडबैक। यानी किसी सक्सेसफुल या कंप्लीट बात के लिए, कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए पांचवी चीज़ की जो ज़रूरत पड़ती है वो क्या है, फीडबैक या रिप्लाई। यानी कि मैंने आपसे पूछा मान लीजिए कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल समझाया। ठीक है, क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल, आप मेरे सामने बैठे हुए सुन रहे हैं और आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। आप अपना अगर अपना जो जवाब देते, मैंने पूछा आपको ये बात समझ में आ गई तो आपने जो जवाब दिया हमको, जो आंसर दिया उसी को बोलते हैं फीडबैक। आप कमेंट करके दे रहे हैं चाहे किसी भी माध्यम से, आप मेरे घर पे आके दीजिए अपना आंसर, या आप कमेंट करके दीजिए या टेलीग्राम के माध्यम से दीजिए, जैसे भी आप मुझे अपना रिप्लाई दे रहे हैं वो क्या है, फीडबैक है। और ये क्या कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो फीडबैक क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टू मेक इट सक्सेसफुल। किसी भी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए फीडबैक क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ द रिएक्शन और रिप्लाई फ्रॉम रिसीवर। तो फीडबैक किसको कहेंगे हम लोग, तो जो रिसीवर है जिसको मैसेज पहुंचाया गया है उसका क्या रिएक्शन है। मान लीजिए मैंने कहा कि आप बड़े अच्छे आदमी हो, आप बड़े मेहनती हो, आप क्या बड़े पढ़ाकू हो, आप क्या स्टडियस बॉय हो, ठीक। तो आपने क्या किया, आप चाहे आप मुस्कुराएंगे, तो आप मुस्कुरा रहे हैं तब भी क्या है, आप एक फीडबैक दे रहे हैं, या आपने अपनी क्या है निगाहें झुका ली, ऐसे शर्मा रहे हैं तब भी आपने क्या किया, एक फीडबैक दिया। आप ऐसे सीना तान के खड़े हो गए तब भी आप एक फीडबैक दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। तो जो भी मैंने आपसे कोई बात कही और आपका क्या रिएक्शन हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बोलें तभी या कोई टाइप करके भेजें तभी, आपके दिमाग में क्या सोचा आपने और फिर उसके आपके चेहरे पे क्या रिएक्शन आया, आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या रिएक्शन आया, ये सब भी क्या एक तरीके का फीडबैक है। वो आपके आगे आप सब पढ़ने वाले डिटेल से, ठीक। तो आप ये समझ गए कि फीडबैक क्या होता है, और ये जो होता है फीडबैक, इट कन्फर्म दैट द रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड द मैसेज और नॉट। और जो फीडबैक होता है ये बताने की कोशिश करता है, ये कन्फर्म करता है कि जो रिसीवर है उसने भेजने वाले की बात को समझ लिया या नहीं समझा, या उसको कुछ कन्फ्यूज़न है। मान लीजिए मैंने कुछ पढ़ाया आपको और कुछ बोल दिया, ऐसे ही मान लीजिए मैंने बोला माज़ा तफ़अलुल आन, ये अरबी का एक सेंटेंस है, तो आपको समझ में नहीं आया, ठीक। तो आप क्या करेंगे, पूछेंगे सर आपने ये क्या कह दिया, माज़ा तफ़अलुल आन, तो आप कहेंगे सर आपने ये क्या कह दिया। तो ये इससे, तो जो आप फीडबैक दे रहे हैं इससे ये समझ में आता है कि सामने वाले को बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर किसी को अरबी पढ़नी हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करना, मैंने अरबी बहुत पढ़ रखी है, ठीक। तो फीडबैक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपको कम्युनिकेशन समझ में आ गया, ठीक, और कम्युनिकेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आपने समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन कितने तरीके का होता है, बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग वर्ड्स यूज़ करें, क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ना, अलग अलग मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, शब्द बोल रहा हूँ, तो जिसमें क्या कोई शब्द यूज़ किए जाएँ, जिसमें कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाएँ, या समझिए कोई लैंग्वेज यूज़ किया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये चाहे मुँह से बोला जाए, चाहे हम इसको लिखें, समझ में आ रही बात, चाहे हम इसको मुँह से बोलें चाहे हम लिख दें इसको, दोनों तरीके से क्या है ये वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हों, चाहे वो ओरली हो, चाहे वो किसी माध्यम से, चाहे वो फेसबुक के थ्रू चैटिंग हो, व्हाट्सएप के थ्रू चैटिंग हो, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप लिख के भेजें चाहे मुंह से बोलें, अगर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका वर्बल हो जाता है। और दूसरा इसी के अगेंस्ट है जिसमें हम लोग कोई वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम लोग उसमें कोई वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कुछ इशारे कर रहे हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ बताना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने पूछा आप लोगों से कि आपके मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आया, तो आप या तो ऐसे कह देंगे, ऐसे सर हिला देते हैं, तो ये आपने बोला नहीं, सिर्फ अपने गर्दन अपने सर को हिला दिया, तो एक मैसेज आपने दे दिया, हाँ मेरे समझ में आ गया, या आप ऐसे कर देंगे, तो इसका भी मतलब हो गया कि आपको समझ में नहीं आया, समझ में आ रहा है। तो ये इसमें हम लोग वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी बात सामने वाले को पहुंचा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा पुलिस वाले को ऐसे इशारा करता है, तो बोलता तो नहीं है, खाली इशारा कर मतलब जाओ, क्या बोल रहा है, जाओ। ऐसे आपने देखा होगा ऐसे लोग करते हैं तो एक मैसेज देते हैं विक्ट्री का, एक मैसेज देते हैं विक्ट्री का कि मैं क्या हूँ, कामयाब होने वाला हूँ। तो जो भी इशारे हों जिसमें आदमी बात बोले नहीं, कोई वर्ड्स ना बोले, सिर्फ अपने हाथ पैर, अपने चेहरे, आँख, अपनी बॉडी से कोई बात ऐसे कर दे कि उसमें वर्ड्स यूज़ ना करे और सामने वाले को बात समझ में आ जाए, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम लोग इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कम्युनिकेशन, अब ये कम्युनिकेशन दो तरीके का है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल जिसमें हम लोग क्या है वर्ड्स यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या है वर्ड्स आर नॉट यूज, ठीक।
तो वो नॉन वर्बल हो जाता है। अब जो वर्बल वाला है जिसमें हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं वो भी दो तरीके का है, एक होता है ओरल जिसको हम लोग कहते हैं माउथ के थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है, टीएच माउथ के थ्रू अगर हम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ओरल, और अगर हम लोग उसको लिख के बोल बता रहे हैं वर्ड्स तो इसमें भी यूज होगा लेकिन हम लोग उसको क्या कर रहे हैं लिखने के थ्रू कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन, आसान है, ठीक है। अब जो ओरल कम्युनिकेशन है ये भी दो तरीके का है, ओरल कम्युनिकेशन भी क्या है दो तरीके का है, एक होता है वन टू वन कम्युनिकेशन और एक होता है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, एक होता है वन टू वन कम्युनिकेशन और एक होता है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। हालांकि इसमें और बहुत सारे लोगों ने बढ़ाए हैं लेकिन इतना आपको अगर कर लेते हैं तो काफ़ी है ये, ठीक है, वन टू वन कम्युनिकेशन और क्या होता है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। अब जो ये वन टू वन कम्युनिकेशन है इसको हम लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं फेस टू फेस, ठीक है। इस वन टू वन कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन, और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि टेलीफोन के थ्रू आप क्या करेंगे किसी को अपनी बात पहुंचा रहे हैं। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में ये जरूरी नहीं कि वो पुराने जमाने वाला लैंडलाइन वाला सिस्टम हो तभी उसको कहेंगे, बल्कि आज चाहे आपके पास छोटा सा कोई फ़ोन हो, चाहे आपको किसी लैपटॉप के थ्रू क्या किसी से बात कर रहे हो, चाहे आप टैबलेट से कर रहे हो, चाहे इंटरनेट के किसी भी माध्यम से आप कर रहे हो, सब किस में आ जाएगा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो भी कम्युनिकेशन आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो लैपटॉप हो जो भी कुछ हो, वो सब किस में आ जाएगा टेलीफोन कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा। तो चूंकि हम लोगों ने यहां पे इतना लिया है और आपको ये सब पढ़ना है जितना इसमें आया है, ठीक। अब दूसरा हम लोग चलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, तो इसमें कई सारे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कई सारी क्या क्लासिफिकेशन है, तो एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, ये सब क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक। अब इसमें से क्या है बॉडी लैंग्वेज, इसको हम लोग काइनेसिक्स, इसमें हम लोग को इसको डिटेल से पढ़ना है, आपके सिलेबस में पूछ रखा है, बाकी ये जितने सारे हैं इसको आपको डिटेल से नहीं पढ़ना है ना पूछ रखा है, मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो दूसरा क्या है साइन एंड सिंबल्स, तीसरा क्या है पैरा लैंग्वेज, चौथा क्या है प्रोक्सेमिक्स और या तो हम लोग इसको बोलते हैं स्पेस लैंग्वेज, पाँचवा क्या है साइलेंस, छठा है टाइम लैंग्वेज और सातवां क्या है हैप्टिक्स या टच लैंग्वेज और आठवां है अपीयरेंस, आठवां क्या है अपीयरेंस। ये आपको सब अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इसको याद करिएगा, वरना तो आपको सिर्फ बॉडी लैंग्वेज आपके सिलेबस में पूछ रखा है उसको याद रख लीजिएगा। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बाकी इनको थोड़ा थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। तो साइन एंड सिंबल क्या होता है, तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के साइन होते हैं सिंबल होते हैं जो हमको कुछ इशारा देते हैं, जो हमको क्या करते हैं कुछ इशारा देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बना रहता है और ऐसे एक साइन बन गया, इसका मतलब क्या है कि खतरा है, इसको क्या करना टच मत करना, यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा वोल्टेज की लाइट है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एक निशान ऐसे लगता है, ये मतलब होता है कि डॉक्टर का निशान है। तो ये जो भी इस तरीके के साइन और सिंबल हैं ये भी हमको एक इशारा देते हैं, एक क्या करते हैं इशारा देते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट है वो भी एक तरीके का क्या है सिंबल है। ऐसे ही आपने देखा होगा अलजेबरा क्रॉसिंग, यानी आप सड़क पर देखते होंगे जहाँ पे ट्रैफिक लाइट होती है उससे पहले क्या है कुछ सफ़ेद सफ़ेद सी लाइनें खींची रहती हैं, यानी इसका मतलब इससे आगे नहीं बढ़ना है आपको, उससे पहले ही खड़ा रहना है। और जैसे कि मान लीजिए तिरंगा है अपना, तो तिरंगा भी तो एक सिंबल है हमारे देश का हमारी कंट्री का, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी आपके पास तिरंगा है, ठीक है, आपके पास क्या है तिरंगा हुआ, आपके हाथ में झंडा है, आप बताएं चाहे ना बताएं वो ये समझ जाएगा सामने वाला कि ये क्या है इंडियन है। आप किसी स्टेडियम में हैं, मान लीजिए अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा आप उसको देखने गए हैं और आपने क्या है तिरंगा अपने हाथ में ले रखा है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई देखते समझ जाएगा कि ये आदमी क्या है इंडियन है। तो ये भी एक क्या लैंग्वेज है, ठीक। ऐसे ही क्या है पैरा लैंग्वेज, ये भी क्या है हमारे मतलब कम्युनिकेशन स्किल में क्या है काम करता है, उसको इफेक्टिव बनाता है। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, ये असल में कोई लैंग्वेज नहीं है, ये हम लोग जो बात करते हैं ना, तो बात करने का जो हमारा टोन होता है, टोन के मैं कितनी स्पीड से बोल रहा हूँ ये भी उसमें आ जाता है, मैं कितनी ऊंची आवाज़ में बोल रहा हूँ ये भी उसके अंदर आ जाता है, समझ में आ रही बात, मेरी आवाज़ कितनी मोटी है कितनी पतली है कितना उसके अंदर वाइब्रेशन है ये भी इसके अंदर क्या है आ जाता है टोन के अंदर, जिसको हम लोग पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। तो इसके भी इसका भी क्या होता है आदमी सामने वाले के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चों तो कल से हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो आप ऐसे हम लोग पढ़ाएं तो क्या होता है बॉडी लैंग्वेज, इसको हम लोग काइनेसिक्स भी बोलते हैं,
दूसरा क्या है साइन एंड सिंबल्स। तो आपको ये कुछ समझ में आ रहा है, टोन में फर्क समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से अगर मैं पढ़ाऊँ तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपके अंदर वो इमोशंस नहीं आएंगे। आपके अंदर क्या है, एक इमोशन आता है ना, आदमी देखते होंगे कि आप संदीप महेश्वरी के जब आप वो सुनते हैं तो जब वो आप कोई बात करते हैं तो एकदम मरियल के तरीके से नहीं करते, बल्कि उनकी आवाज़ का टोन, उसका वॉल्यूम, स्पीड, सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। तो उसका सामने वाले के ऊपर क्या होता है, एक इफेक्ट पड़ता है। तो वही क्या है, पैरा लैंग्वेज में आता है वो, ठीक। अब चौथा क्या है, चौथा है प्रोक्सेमिक्स या स्पेस लैंग्वेज। तो ये क्या होता है, इसका ये कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन बहुत सारे इसमें मतलब डाल दिया है, हालांकि कोई ये लैंग्वेज नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई एक पार्क है, कोई एक पार्क है, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ जो इस पे सारे ये निशानात हैं। मान लीजिए कोई पार्क है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ बेंचेस लगे हुए हैं, ठीक, कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, वो क्या है, मिल के आपस में एक दूसरे के साथ में क्या है, मिल के बैठे हैं, ठीक। और यहाँ पे एक क्या है, बेंच है, एक चेयर है, वहाँ पे भी दो लोग बैठे हैं, तो एक आदमी यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है, ठीक। तो अब दो लोग बैठे हैं तो इसमें जो डिस्टेंस है ना, तो ये भी बताता है कि ये लोग आपस में क्या है, किसी हद तक करीब है, ये भी एक लैंग्वेज है। तो मज़ा आ रहा है ना ये वाला चैप्टर पढ़ने में, कि दो लोग पास में बैठे हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या तो क्या है पति पत्नी हो, माँ बाप हो, बेटे भाई, कुछ भी हो, तो ये एक बताता है कि इनमें आपस में कुछ गहरा रिश्ता है, इसलिए कि ये एक साथ में बैठे हुए हैं। ये लोग दूर दूर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनमें थोड़ा सा रिश्ता जो है वो थोड़ा दूर है, चाहे वो करीबी ही हो, चाहे वो बाप बेटे हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये भी एक तरीके का क्या है, लैंग्वेज है, जो सामने वाले को बताता है कुछ उनके बारे में। तीसरा क्या है, अब पांचवा जो है वह साइलेंस। तो साइलेंस भी क्या है, एक लैंग्वेज है कि आदमी चुप रहता है, तो उसको भी क्या हम लोग बोलते हैं कि हाँ, एक उससे कुछ आदमी को आभास मिल जाता है, कुछ समझ में आता है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दूं कि जब शादी होती है तो जो मौलवी होते हैं या जो पंडित होते हैं वो क्या करते हैं, विवाह करवाते हैं, ठीक। तो जब लड़की से पूछा जाता है क्या आप इनसे शादी करने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ पर कहा जाता है कि लड़की हो सकती है शर्मा रही हो, और उसने अगर हाँ ना कहे तब भी अगर वो हाँ नहीं कह रही है तो उसकी खामोशी भी ये माना जाता है कि उसने हाँ कह दिया है। अगर उसको मना करना होता तो वो ना कर देती। तो एक इसका एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं कि जब आदमी साइलेंस रहता है तो ये भी एक लैंग्वेज है, कुछ बताता है। ऐसे ही मान लीजिए कोई आदमी बहुत ऐसे खड़ा है चुपचाप एकदम, जहाँ पे सब लोग क्या है हंस रहे हैं, कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं और हंस रहे हैं, और एक आदमी क्या है चुपचाप ऐसे करके बैठा हुआ है, तो आपको उसकी उसकी खामोशी से, उसके साइलेंस से कुछ आपको लगेगा कि लग रहा है किसी बहुत गहरी सोच के अंदर है, या तो लग रहा है कि बहुत किसी डिप्रेशन में है, या कुछ लग रहा है बहुत इसके ऊपर परेशानी आई हुई है। तो खामोशी भी क्या है, आदमी को कुछ संकेत देती है, तो ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक। ऐसे ही एक लैंग्वेज क्या है, टाइम लैंग्वेज। टाइम लैंग्वेज क्या है, वैसे जैसे कि मैं घड़ी नहीं पहन रखा हूँ, लेकिन मान लीजिए हमारी मीटिंग हो रही है आपकी और हमारी, ठीक, या समझ लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये तो होता है ना। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ और आधा घंटा ये हो चुका है, और आपको अब क्या है कैंटीन जाना है चाय पानी के लिए। अब आप कह नहीं पा रहे हैं कि सर टाइम ज़्यादा हो गया, पीरियड ख़त्म हो गया, तो आप क्या करते हैं, इशारा कर देते हैं ऐसे, बस ऐसे इशारा किया। आपने घड़ी पहन रखी हो, मान लीजिए घड़ी नहीं है तो क्या समझेगा आदमी, हालांकि नहीं भी होती है घड़ी तब भी आदमी समझ जाता है, इसलिए कि इस जगह पर घड़ी होती है। अब बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या पहनते हैं इस जगह पर, तो अगर आपने ऐसे इशारा किया, ऐसे आपने बोला कुछ नहीं, खाली मेरी तरफ देखा और ऐसे इशारा किया, तो मैं समझ जाऊंगा लग रहा है इनको क्या है थोड़ा सा पेचिस हो रहा है, अब जाना है इनको बाहर पानी पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए, तो मैं समझ जाऊंगा। तो ये भी क्या है, एक लैंग्वेज है। ऐसे ही क्या है, हैप्टिक्स, हैप्टिक या टच, ये भी एक लैंग्वेज है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो माँ होती है अपने बच्चे को क्या करती है, चूमती है, तो बच्चे से कुछ कह नहीं रही है, लेकिन बच्चे को एक एहसास होता है कि माँ जो मुझसे क्या कर रही है, मोहब्बत का इजहार कर रही है, मुझे क्या कर रही है, प्यार दे रही है। और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग होते हैं वो भी आपस में इसका इजहार करते हैं, हालांकि बोलते कुछ नहीं है, खाली टच करते हैं, छूते हैं आपस में एक दूसरे को, तो उससे भी क्या है, एक उनको एहसास मिलता है कि ये दुश्मनी वाला टच है या कि मोहब्बत वाला टच है। लेकिन आप माँ और बच्चे वाला एग्जाम्पल को याद रखिए, ये ज़्यादा अच्छी और साफ सुथरी एग्जाम्पल है। ऐसे ही अपीयरेंस है, ये भी एक तरीके का क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और ये जितने सब है ना, ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, समझ में आ रहा है, ये जितने हैं ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो ऐसे ही अपीयरेंस है, जैसे कि मान लीजिए मैं कपड़ा अगर बहुत अच्छे से बूट शूट पहन के आऊँ, बहुत अच्छे से टाई वगैरह सब लगा के आऊँ, तो आपको लगेगा कि ये आदमी क्या है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा है,
समझ में आ रहा, खुशबू लगा के आऊँ मैं, बहुत अच्छी सा परफ्यूम मार के आऊँ, हेयर कट मेरा बहुत अच्छे से हो, सब कुछ एकदम मेंटेन हो, तो सामने वाले पे उसका भी क्या होता है, थोड़ा सा इम्प्रेशन पड़ता है। तो ये भी एक लैंग्वेज होता है, समझ लीजिए उसको हम लोग, ये सब जितने हैं ये किस में आएंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। तो अब हम लोग हर एक को डिटेल से पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ हम लोग बॉडी लैंग्वेज को पढ़ेंगे डिटेल से, बाकी इसको आप इतने पे रखिए, ठीक। हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अब हम लोग इसमें वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद वन टू वन कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद टेलीफोनिक कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिटन कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद एक दो टॉपिक जो रह गए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन आप समझ चुके हैं कि इट इज़ ए कम्युनिकेशन इन विच वर्ड्स आर यूज टू डिलीवर द मैसेज ओरली थ्रू माउथ और इन रिटन फॉर्म। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, तो ये ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, वर्ड्स यूज किए जाते हैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए, अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए। अब वो क्या हो सकता है, या तो ओरली हो, ओरली मतलब माउथ के माध्यम से, मुंह के जरिए से, या तो फिर क्या हो, वो रिटन में हो। तो ये आपने पढ़ लिया कि दो तरीके का होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है ओरल, एक होता है रिटन, ठीक है। तो किसी भी तरीके से हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे, अगर उसमें वर्ड्स यूज हो रहा हो। जब भी आप डेफिनेशन लिखिएगा तो वर्ड्स जरूर याद रखिएगा ये, ठीक है। अब ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आप समझ तो चुके हैं फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो ओरल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच पीपल कम्युनिकेट टू ईच अदर थ्रू माउथ, आइदर डायरेक्ट कन्वर्जेशन और टेलीफोनिक, इसको टेलीफोनिक कर लीजिए अच्छा रहेगा, और टेलीफोनिक कन्वर्जेशन। तो कह रहे हैं कि ओरल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें क्या है, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने थॉट को शेयर करते हैं, अपने मैसेज को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, और उसमें क्या यूज़ करते हैं, चाहे वो क्या है, माउथ के थ्रू हो, यानी डायरेक्टली हो, फेस टू फेस हो सकता है, यानी डायरेक्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट कन्वर्जेशन हो। डायरेक्ट का मतलब समझिए कि एकदम आमने सामने बैठे हों, कोई बीच में बैरियर नहीं है, वो दूर नहीं है, बल्कि पास पास में आमने सामने बैठ के क्या है, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया, और दूसरा चाहे वो टेलीफोन के जरिए से हो। तो ये दोनों कम्युनिकेशन किसके अंदर आते हैं, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। अब जो ओरल कम्युनिकेशन है इसको ये इंक्लूड्स करता है, यानी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लेक्चर हो गया, स्पीच हो गया, ऐसे ही क्या ग्रुप डिस्कशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, मीटिंग्स हो गए, ये जितने हैं ये सब किस में आते हैं, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। चाहे वो क्या है, डायरेक्टली हो, यानी चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे वो क्या है, टेलीफोन के जरिए से, जैसे कि अभी देखा आपने लॉकडाउन के अंदर तो सारे जो कॉन्फ्रेंसेज हो रहे थे ऑनलाइन हो रहे थे, जैसे कि मोदी जी कर रहे थे और जितने बड़े बड़े लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, या छोटे लोग आपस में पढ़ रहे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, या पढ़ाई हो रही थी, ग्रुप डिस्कशन हो रहा था, तो वो सब किसके माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हो रहा था। तो चाहे ये डायरेक्टली हो, चाहे क्या है, फ़ोन के माध्यम से हो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हो, वो सब किस में आ जाएंगे, ओरल कम्युनिकेशन में। अब ओरल कम्युनिकेशन भी दो तरीके का आपने पढ़ लिया, वन टू वन या फेस टू फेस बोलते हैं, और दूसरा इसको बोलते हैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, या इसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हो। अब इसके क्या एडवांटेज, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए, हो सकता है कभी पूछ ले। तो इसके एडवांटेज क्या है, किसके, ओरल कम्युनिकेशन के हम लोग पढ़ रहे हैं, या वर्बल का कह लीजिए, चाहे ओरल का कह लीजिए, ठीक है, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन का इसको एडवांटेज बना सकते हैं, या तो फिर आप इसको वन टू वन यानी फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है उसका भी एडवांटेज आप इसको बना सकते हैं। तो क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। तो कह रहे जो फेशियल एक्सप्रेशन है और जो आदमी का जेस्चर है वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर क्या होते हैं, तो आदमी ये हम लोग जब डायरेक्टली बात करेंगे आमने सामने, तो हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, यानी चेहरे के ऊपर जो आदमी के कुछ अलग अलग टाइप अलग अलग से एक्सप्रेशन आते हैं, जैसे कि आपने मुझे कुछ बात कहा, आपने मुझे कुछ कहा तो मैं मुस्कुराने लगा, समझ आ रहा, मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो एक एक्सप्रेशन आ रहा है, ऐसे ही मैं आपको ऐसे बहुत गुस्से में देख रहा हूँ, तो ये क्या है, एक तरीके, अभी आप पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है ये बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है ये, क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन जेस्चर। तो ये थोड़ा सा समझिए आप इसको ऐसे ही, तो मैं आपको क्या बहुत घूर के देख रहा हूँ तो आपको चेहरे से एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, समझ में आ रही। तो ये जब आदमी आमने सामने होकर बात करता है तो उसमें ये सारी चीज़ें क्या हैं, काम करती हैं। ऐसे ही जेस्चर, जेस्चर मतलब जैसे कि आपने यूँ इशारा किया,
थम्स अप किया, तो ये सारे क्या एक तरीके से गेस्चर आते हैं। आपने कोई बात की और मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने ऐसे इशारा किया क्यों नहीं, ऐसे बोलते हैं ना क्यों नहीं, तो ये एक तरीके का मैंने सिर्फ ऐसे इशारा कर दिया और बात भी कर रहे हैं और मैंने कहा क्यों नहीं, तो क्यों नहीं और उसके साथ में ये बॉडी लैंग्वेज, तो ये जब दोनों मिलते हैं ना तो ये बात को क्या करते हैं और इफ़ेक्टिव बना देते हैं। और चेहरे का एक्सप्रेशन, एक तो मैं सिर्फ आपसे फ़ोन से बात करूँ, आप मुझे देख नहीं रहे हो तो वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, और आमने सामने हो और मैं बात भी करूं और मेरा बॉडी लैंग्वेज ये जो मैं हाथ हिला रहा हूं, कभी अपने चेहरे का अलग अलग इस एक्सप्रेशन में दिखा रहा हूं, तो इससे सामने वाले के ऊपर क्या कुछ इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है बात का। ऐसे ही इट इज़ बेस्ट मीडियम फॉर डिस्कशन एंड इंटरव्यू, और डिस्कशन के लिए, और इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि एक आदमी उसमें क्वेश्चन करता है, दूसरा उसका आंसर देता है, वो क्वेश्चन करता है तो ये आंसर देता है, एक कोई डाउट पेश करता है तो दूसरा उसके डाउट को क्लियर करता है, तो वो इंटरव्यू होता है। तो इसके लिए ये क्या है, जो ओरल कम्युनिकेशन है वो फ़ायदेमंद है, या ये कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसे ही कम्युनिकेटर कैन नो द रिएक्शन ऑफ मैसेज ऑन रिसीवर थ्रू हिज फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर। ऐसे ही कह रहे, जो कम्युनिकेटर है यानी जो बात कर रहा है, या मान लीजिए जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, इंटरव्यू ले रहा है, तो वो क्या है, आदमी सामने वाले के सामने जो जिसका इंटरव्यू ले रहा है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से वो समझ सकता है कि जो मैं मैसेज उसको दे रहा हूँ उसका उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। जैसे कि मैंने और आप और हम क्या हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप मैंने पूछा कि आप इसके कितने पैसे चाहते हैं, तो आपने कहा 1 करोड़, तो अब मेरे चेहरे की तरफ देखना तो कुछ समझ में आ रहा है, तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन एक मेरे चेहरे पे ये आ रहा है कि यार इतना पैसा मैं कहाँ से मैनेज कर पाऊँगा, तो चेहरे का एक एक्सप्रेशन होता है ना। या आपने कहा कि मान लीजिए उस सामान की वैल्यू कितनी थी, 10,000, और आपने कहा 5,000, तो मैं तो खुश हो जाऊँगा दिल में, तो मैं कहूँगा यार मैं तो मतलब बाजी मार ली मैंने। तो चेहरे के एक्सप्रेशन से भी क्या है, सामने वाला बात किसी के दिल में क्या बात चल रही है उसको समझ सकता है। ऐसे ही इसका क्या है, इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, और इसमें क्या है, आदमी को इमीडिएट फीडबैक मिल जा रहा है। जैसे कि आपने अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपने कोई बात कही और फौरन मैंने क्या एक्सप्रेशन जाहिर कर दिया, इस तरीके से भी आपको फीडबैक मिल गया कि इसके दिल में क्या बात चल रही है, मतलब राजी होगा नहीं होगा। ऐसे ही मान लीजिए आमने सामने हैं, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने तुरंत उसका आंसर दे दिया, लेकिन मान लीजिए अगर हम लोग रिटर्न फॉर्म में कर रहे हैं, मैंने एक लेटर भेजा है, आप क्या है मुंबई के अंदर बैठे हुए हैं, मैंने यहाँ से आपको लेटर एक लिख के भेजा या ईमेल किया, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत रिप्लाई कर दें, तो उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आमने सामने बैठ के क्वेश्चन आंसर हो रहा है तो तुरंत आदमी क्या है फीडबैक दे सकता है, यानी आंसर और रिप्लाई दे सकता है, तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। ये कि इट सेव्स टाइम, ये टाइम भी बचाता है, यानी इस तरीके से इसमें क्या होगा, टाइम बच जाएगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आदमी को। और क्या है, लिसनर कैन गेट इमीडिएट क्लेरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट इन हिज माइंड, और जो जिससे बात की जा रही है जो लिसनर है उसके दिमाग में अगर बात समझ में नहीं आई, कुछ कुछ डाउट रह गया है, तो तुरंत वो क्या है पूछ के अपने डाउट को क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है, तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कोई हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो क्या है इसका डिसएडवांटेज, इट इज़ नॉट सुटेबल इन एवरी कंडीशन, लेकिन क्या ये हर कंडीशन में सुटेबल नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे आपका, आप में से किसी एक का इंटरव्यू लेना है, जैसे कि मैंने कुछ लोगों के ले भी रखे हैं, और आपने देखा हुआ एग्ज़ाम जब रिजल्ट आया था तो मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए थे, ठीक। अब मैं मान लीजिए इंटरव्यू आप में से किसी एक का लेना चाह रहा हूँ और वो मुंबई के अंदर बैठा हुआ है, मैं यहाँ पर हूँ, तो बताइए क्या इस कंडीशन में अभी मैं इमीडिएटली लेना चाह रहा हूँ तो नहीं ले पाऊँगा। अभी मैं इमीडिएटली लेना चाह रहा हूँ तो मैं क्या फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं ले सकता हूँ उसका, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ऑनलाइन क्या इंटरनेट के माध्यम से जूम पे, गूगल मीट पे, या जिस भी माध्यम से तुरंत इंटरव्यू ले सकता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि हर कंडीशन में फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और जो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन है ये बड़े लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग बैठे हैं और उनसे मैं डायरेक्टली अगर इंटरव्यू लूँ तो ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्रिएट करता है कि मैं हर एक से क्या है हर एक तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकता, और सारे लोग एक साथ मुझसे सवाल करें तो मैं उनका आंसर भी नहीं दे सकता हूँ, तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कोई मैसेज लिख के भेज दिया है, वो आदमी पढ़ रहा है, उसके बाद हर आदमी अपने अपने हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछेगा, मैं हर एक को क्या है रिप्लाई दे सकता हूँ बारी बारी से, तो ये भी इसका एक क्या ड्रॉबैक है। ऐसे तीसरा क्या है, लो रिटेंशन बाय लिसनर, द लिसनर मे नॉट कंसंट्रेट अपॉन एवरीथिंग दैट हैज़ बीन डिलीवर इन ओरल कम्युनिकेशन।
और इसमें यह भी हो सकता है कि जो जो बात को सुन रहा है, जो जिसको मैं बात पहुंचा रहा हूं, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं जितनी बातें कर रहा हूं वो सब उसको समझ में आ जाए, इसलिए कि इसमें उसको सोचने समझने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है। समझ में आ रही बात कि जैसे कि मैं पढ़ाया जा रहा हूं एकदम धड़ाधड़ पूरा एक चैप्टर पूरा मैं कंप्लीट करने के पीछे लगा हुआ हूं, तो अब मैं बहुत सारी चीज़ें क्या है बड़ी तेज़ी से बताते हुए जा रहा हूं। अब आप ये चाहें कि मान लीजिए आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए लाइव मेरे सामने आके बैठे हुए हैं, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर आप मेरे सामने पढ़ रहे हैं, अब आप ये चाहें कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ इसी पर और आप थोड़ा सा उसको सोच लें समझ लें अपने डाउट को क्लियर कर लें फिर आगे बढ़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जब मान लीजिए वीडियो उसको पॉज करके तो आप रोक सकते हैं, लेकिन मैं मान लीजिए कहीं पे स्पीच दे रहा हूँ कहीं लेक्चर दे रहा हूँ तो आप तो ये नहीं कर सकते बीच में रुक के कि मेरे समझ में नहीं आया है और मैं थोड़ा सा सर रुक जाते तो मैं अपने राव को क्लियर कर लेता, मैं थोड़ा सा एक दो बार इसको रट लेता रिविज़न कर लेता ताकि मेरे अच्छे से समझ में आ जाए, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि आप रुकवा दें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सबको समझ में आ रहा है तो आप उनकी वजह से मैं तो नहीं रुकने वाला हूँ ना, तो ये इसका एक नुकसान है। और दूसरे एक इसमें क्या होता है कि आदमी बड़ा फास्ट बोलता है, तो हो सकता है बहुत सारी बातें क्या है आगे निकल जाएं, अभी उसको वो दिमाग से उतना सोच ही नहीं पाया हो और बहुत सारी बातें आगे निकल गई हो। लेकिन अगर यही रिटर्न फॉर्म में है, मान लीजिए किताब पढ़ रहे हैं आप, उसमें समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आया तीसरी बार पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आया चौथी बार पढ़ सकते हैं। समझ में आ रही बात, आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ और आपको कोई बात समझ में नहीं आई और ये मान लीजिए वीडियो नहीं देख रहे हैं आप यूट्यूब पे बल्कि क्लास में पढ़ रहे हैं, तो तुरंत आप क्या डिक्शनरी नहीं देख सकते हैं। अगर डिक्शनरी देखने जाएंगे तब तक मैं और दो चार सेंटेंस आगे बोल के निकल चुका हूँगा तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, तो यही इसका एक नुकसान है। अब हम लोग पढ़ेंगे वन टू वन कम्युनिकेशन। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ये हम लोग पढ़ रहे थे वर्बल कम्युनिकेशन के फायदे और नुकसान, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन टू वन कम्युनिकेशन। तो ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप है जो आपने पढ़ा है उसी का एक डिवीज़न है, तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे वो सेम इसके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है वन टू वन कम्युनिकेशन, तो ये वन टू वन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इसको हम लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। वन टू वन कम्युनिकेशन इज ए ओरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और ये क्या है ओरल टाइप का कम्युनिकेशन होता है, ये टेलीफोन वाला नहीं है। इसमें क्या है हम लोग कोई मैसेज नहीं भेज रहे हैं लिख के, बल्कि हम लोग क्या करते हैं मुंह से डायरेक्टली बोलते हैं, इसमें वर्ड यूज होते हैं और डायरेक्टली मुंह से बोले जाते हैं, तो वो क्या होगा वन टू वन कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। वही कह रहा है कि ये ओरल टाइप का कम्युनिकेशन है, ये रिटन टाइप का कम्युनिकेशन नहीं है। इन विच वन पर्सन टॉक, जिसमें एक आदमी बात करता है टू अनदर डायरेक्टली, दूसरे तक डायरेक्टली, यानी कि मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया वन टू वन कम्युनिकेशन हो गया। अब वन टू वन कम्युनिकेशन हैज़ थ्री बेसिक एलिमेंट, तो इसके तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं। एक तो ये कि वर्ड्स, यानी ये अगर आप चीज़ें रखते हैं तो आपको मतलब आपकी जो बात है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो एक तो क्या है वर्ड्स, यानी जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं ये इसका बेसिक क्या है एलिमेंट है। ऐसे ही आपके आवाज़ का जो टोन, आपके जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं उसका टोन क्या है। मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरा टोन यानी वॉल्यूम बहुत कम हो तब भी मज़ा नहीं आएगा, स्पीड बहुत फास्ट हो तब भी मज़ा नहीं आएगा, स्पीड बहुत स्लो हो तब भी आपको मज़ा नहीं आएगा। समझ में आ रही बात, या मेरी आवाज़ बहुत धीरे हो आपको आवाज़ ही ना पहुँचे तब भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो टोन है ना ये भी क्या है बहुत मायने रखता है आदमी के किसी बात को इफेक्टिव बनाने के लिए। ऐसे ही आदमी का जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसे मैं इशारे कर रहा हूँ ना बार बार, ये तो ये जो इशारे करते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो भी इशारे हैं सब समझ लीजिए बॉडी लैंग्वेज के अंदर आते हैं। तो ये भी क्या करते हैं आदमी के किसी बात के कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। तो ये तीन इसके मेन एलिमेंट हैं, अगर आपको याद नहीं हो पाए कोई बात नहीं। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या होता है वर्ड्स, यानी जब आदमी किसी से कम्युनिकेशन कर रहा है। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं इतना डिटेल से कि आपको ये भी पढ़ना, आपने पढ़ा ना कम्युनिकेशन स्किल, तो ये जब पढ़ेंगे तभी तो आपके अंदर स्किल आएगा। मैंने सिर्फ बता दिया तो उतने से आपकी स्किल नहीं आएगा, और डिटेल में हम लोग इसको वर्ड्स को वॉइस ऑफ टोन को और बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपके अंदर कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो डेवलप हो जाए। तो वर्ड्स क्या है, आप भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वर्ड्स जो शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, वर्ड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन टू डिलीवर द मैसेज टू द लिसनर। तो वर्ड्स जो हैं ये क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने में, ठीक। वी शुड चूज रेस्पेक्टफुल वर्ड्स इन आवर कम्युनिकेशन, तो जब हम लोग बात करें तो उसमें हमको क्या है रेस्पेक्टफुल यानी इज्जत वाले, किसी के अदब वाले क्या है वर्ड्स यूज करना चाहिए। ऐसे वर्ड्स ना हो जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को हम लोग तकलीफ पहुंचाएं, ऐसे वर्ड्स हमको यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे वर्ड्स यूज करें जो किसी के लिए आदर हो, ठीक है।
एंड वी शुड केयर द लेवल ऑफ लिसनर, और जिससे हम लोग बात कर रहे हैं उसके लेवल का भी हमको क्या है ध्यान रखना चाहिए, लिहाज करना चाहिए। मान लीजिए मैं आपसे बात कोई समझाना चाह रहा हूँ और वर्ड्स में बहुत क्या है टफ टफ यूज़ कर रहा हूँ, बहुत हार्ड और मुश्किल वर्ड्स मैं यूज़ करूँ तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो ये कह रहे हैं कि जिससे आप बात कर रहे हैं उसके लेवल को भी ध्यान में रखना चाहिए। मान लीजिए कोई गाँव का आदमी है, बेचारा किसान, कभी वो पढ़ने नहीं आया, अब मैं उसके सामने बात कर रहा हूँ और इंग्लिश के वर्ड्स क्या है धड़ाधड़ यूज़ किए जा रहा हूँ, जैसे होता है बहुत सारे फार्मासिस्ट लोग होते हैं। मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता था जब मैं अभी ये सब पढ़ाई नहीं किया था, जब मैं फार्मासिस्ट नहीं बना था, उस वक्त जब मैं भी जाता था कभी मेडिकल स्टोर वगैरह पे, तो जो लोग होते हैं ना तो मतलब पूरी बात आपको अच्छे से समझाएंगे नहीं, या डॉक्टर के पास जाएंगे ना अभी तो मतलब क्या है बहुत सारे जो टर्म्स किताबों के अंदर यूज़ होते हैं वो बोल देते हैं, अब सामने वाले को समझ में नहीं आता, कहते हैं कि आपको इसको क्या है हाइपरलिपिडेमिया है। अरे यार वो किसान आदमी को क्या समझेगा हाइपरलिपिडेमिया क्या है, उसको समझाओ उसकी भाषा में। तो ये कह रहे हैं कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको ये करना चाहिए कि जो आदमी सामने है उसके लेवल का आप लिहाज करिए कि मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ वो क्या उसको समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। और आप क्या अपनी धुन में मस्त हैं, वो किताबों वाली जो 10 साल रट के आए हैं आप, वो सारी बातें आप वहाँ पे जाके उसके सामने बोल रहे हैं, हाइपरलिपिडेमिया हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, इसके क्रोनरी आर्टरीज के अंदर प्लेक हो गया है, क्या बोल रहे हैं इसके क्रोनरी आर्टरीज के अंदर प्लेक हो गया है, तो सामने वाला क्या समझेगा यार। वो दिमाग जो एक तो अभी वैसे ही बीमार था, ये भी बीमार हो जाता है आदमी आधा, क्या लग रहा है क्या कोई बड़ी भयंकर सी बीमारी हो गई है। तो खैर तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो सामने वाला है ना उसके लेवल का हमको क्या लिहाज करना चाहिए, यानी हम जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल हों, ईजी हों, ताकि वो सामने वाला समझ जाए। अगर कोई आपके सामने MBBS बैठा हुआ है तो बात अलग है, आप जो भी चाहें वर्ड्स यूज़ करें जो वो समझ पाता है। ठीक, दूसरा क्या है टोन ऑफ वॉइस, आप कई बार सुन चुके हैं टोन ऑफ वॉइस क्या होता है, यानी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो जो टोन ऑफ वॉइस है ना, जो टोन है, ये टोन ये कई सारी चीज़ों का मिक्सर है। जो टोन ऑफ वॉइस इज मिक्सर ऑफ वेरियस वर्बल फीचर्स, जो हम लोग मुंह से बात करते हैं, जो हमारा मुंह है इसके ये बहुत सारे क्या है फीचर हैं, वर्बल फीचर हैं। ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, क्या वॉल्यूम यानी साउंड हो गया, ऐसे आदमी का जो पिच है, पिच का मतलब ये कि वो आवाज़ कितनी मोटी निकाल रहा है, कितनी पतली निकाल रहा है, कितनी मोटी आवाज़ निकाल रहा है, तो इसका भी फर्क पड़ता है सामने वाले को। जो इसमें कहते हैं कि जो आपका नेचुरल आवाज़ है उसी आवाज़ में आपको क्या है बात करनी चाहिए, अपनी आवाज़ को बहुत पतली करने की कोशिश नहीं करना चाहिए या बहुत अपनी आवाज़ को मोटी करके बोलने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो आपका नेचुरल है उसी हिसाब से आपको बात करनी चाहिए। ठीक, और तीसरा क्या स्पीड का भी लिहाज रखना चाहिए, ऐसे ही पेस का भी क्या है इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो हर वर्ड के बीच में मैं कितना ब्रेक ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक एक वर्ड बोला तो ऐसे बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो ये देख रहा है ना कितना बीच में स्पेस कितना मैं ले रहा हूँ, उसी को हम लोग बोलते हैं समझिए पेस, यानी कितना मैं ब्रेक कर रहा हूँ बीच में, तो इसका भी फर्क पड़ता है। ऐसे ही वोकल क्वालिटी का भी क्या होता है फर्क पड़ता है, क्या वोकल क्वालिटी ये होता है कि फ्लुएंसी कितनी है और आपका प्रोनंसिएशन कैसा है, प्रोनंसिएशन का भी बहुत फर्क पड़ता है। फ्लुएंसी मतलब कि कितना मतलब मेरी बात के अंदर रवानी है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला फिर मैं 5 मिनट सोच रहा हूँ, फिर मैंने एक सेंटेंस बोला फिर 2 मिनट सोच रहा हूँ, फिर मैंने एक सेंटेंस बोला कि आपकी बात के अंदर बड़ी रवानी होनी चाहिए, फिर मैं खामोश हो गया ताकि सामने वाले को बात अच्छे से समझ में आए, फिर मैं खामोश हो गया, फिर आपको इस तरीके से बात अच्छे से समझ में आएगी। तो ये समझ में आ रहा ना आपको, मैं इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्या है। तो फ्लुएंसी भी आपके उसमें क्या है कि मतलब फ्लुएंसी भी बनी रहनी चाहिए, यानी एक जो रफ्तार है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो फ्लुएंसी यानी आपके जो सेंटेंस हैं वो उसमें भी क्या है ब्रेक नहीं होना चाहिए, और स्पेस यानी जो आपके वर्ड्स हैं उसमें भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, और आपके प्रोनंसिएशन भी क्या है बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी जो वर्ड्स बोल रहे हैं उसको पूरा बोलिए, यानी कि आधा बोल रहे हैं और आधा मुँह के अंदर ही खजा रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो जैसे कि मैं बोलूँ स्पीड, तो स्पीड आपको पूरा बोलना चाहिए, यानी कि स्पीड तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगी बात पूरी, तो पूरा उस पर असर नहीं पड़ेगा, तो पूरी बात को क्या है प्रोनंसिएशन अच्छे से करना चाहिए। अब चौथा क्या है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आप डिटेल से पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आया है तो समझ लीजिए। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो इट इज़ ए सोर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बॉडी लैंग्वेज आपने पढ़ा था ना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन आप इसको वर्बल कम्युनिकेशन के साथ यूज़ करते हैं तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इन विच
तो इसमें क्या होता है, नॉन इसमें बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, इन विच वेरियस फिजिकल बिहेवियर्स आर यूज्ड। इसमें क्या है, बहुत सारे हमारे फिजिकल बिहेवियर क्या होते हैं, यूज होते हैं टू डिलीवर द मैसेज, अपनी बात पहुंचाने के लिए। फिजिकल यानी हमारा जो बॉडी है उसके अलग अलग बिहेवियर, जैसे कि मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ, मैं अपनी आंखों मैं अपने क्या है ऐसे लिम्ब को यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन को क्या है अच्छा मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो उसका अलग इफेक्ट पड़ता है। मैं सैड हूँ, मैं अपने ये जो भवें हैं हमारे जो पेशानी जिसको बोलते हैं, ये जो माथा है उसको सुकड़ाया हुआ हूँ तो वो अलग एक इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या हैं इसके अंदर देखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या है हमारे बात को क्या है इफेक्टिव बना देती हैं। तो अब इसके क्या एडवांटेज है, वन टू वन कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेज हैं, ये आप अभी मैंने पीछे जो पढ़ाया था वर्बल कम्युनिकेशन का, वही इसका भी है, सेम कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, क्या पढ़ेंगे हम लोग टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि आप फोन के जरिए से यानी इंटरनेट के माध्यम से क्या है कोई बात कर रहे हैं, ठीक। तो द कम्युनिकेशन इज डन ओवर द टेलीफोन, मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज नोन एज अ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, ठीक। जो आप फोन के जरिए से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए से कोई बात कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, हमारे जो फ्रेंड है वो खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, ठीक। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इज मोर चैलेंजिंग टास्क, और जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा ज़्यादा मतलब मुश्किल वाला काम है किसी को अपनी बात को इफेक्टिव बनाने के लिए। मान लीजिए एक तो फेस टू फेस आप किसी से बात कर रहे हैं उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक आप टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कंपनी वाले रोज आपके पास फ़ोन करते रहते हैं, तो वो वाला जो फ़ोन पर आपके बात कर रहे हैं ना वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है बिलमुकाबिल इसके कि आपके सामने कोई आके आपसे बात करे, ठीक। ये इसके अंदर है बिकॉज द एबसेंस ऑफ हेल्पिंग फैक्टर्स इन कम्युनिकेशन, इसलिए कि इसमें जो हमारे कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं जो हेल्पिंग फैक्टर हैं वो इसमें नहीं होते हैं, वो एबसेंस होते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन यानी आपके बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक। सम पॉइंट शुड रिपेयर, नहीं यहाँ पे प्रीपेयर, यहाँ पी लगा लीजिए, सम पॉइंट शुड प्रीपेयर बिफोर द टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। अपने टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को अगर आप इफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, याद रखिएगा। ये आपके आपके सिलेबस में पूछा नहीं है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, चूंकि ये टॉपिक बहुत अहम है और आपको ये बहुत जगह पर काम आने वाला है इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको याद नहीं होता कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा इसको, लेकिन मेरा पढ़ाना फ़र्ज बनता है। तो इसमें क्या है, तो आपको अगर किसी से फ़ोन पे कोई बात करनी है, कुछ आप उसको समझाना चाह रहे हैं, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं स्पेशली, वैसे तो आप बात करते रहते हो वैसे नहीं, कोई मान लीजिए किसी कंपनी में है कोई बात करना चाह रहे हैं, आपको एक जिम्मेदारी लगाई गई है, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए फ़ोन करने से पहले। तो वो क्या है, सबसे पहले आपको टॉपिक सेट करना है जिस टॉपिक पे आप क्या है उससे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उस जिस आदमी से बात करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइप का आदमी है। हालांकि ऐसा भी होता है कि बात करने के बाद आदमी नॉलेज लेता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि उससे पहले उसके बारे में आपके पास कुछ नॉलेज हो, ठीक। ऐसे ही शुड हैव ए पीस ऑफ पेपर एंड पेंसिल पेन, आपके पास एक क्या हो कागज़ होना चाहिए और आपके पास कोई पेंसिल या पेन होना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो आपका क्या है स्क्रिप्ट तैयार होना चाहिए, यानी पूरा लिख के रहना रखा हुआ होना चाहिए आपके पास कि आप उससे क्या बात करने वाले हैं, ठीक। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फ़ोन की बैटरी है वो चार्ज है कि नहीं है, आपके फ़ोन के अंदर बैलेंस है कि नहीं है। पता चला बात कर रहे हो और बीच में क्या बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई या पैसा खत्म हो गया तो अभी क्या है आपकी बात इफेक्टिव नहीं रहेगी। ऐसे ही जब आप बात करने लग जाएं तो उस दरमियान में यानी ड्यूरिंग कॉल या ड्यूरिंग फोन कम्युनिकेशन कुछ बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो क्या है कम्युनिकेशन को जब भी आप स्टार्ट करें तो ग्रीटिंग के थ्रू करना चाहिए। जो भी आपका ग्रीटिंग है यानी सलाम कर लीजिए, जो भी आप करते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी है तो ये आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। आपके यहाँ से जो भी ग्रीटिंग है आप वो यूज़ करिए। ऐसे ही अपना इंट्रोडक्शन कराइए कि मैं कौन हूँ, मैंने फ़ोन किया है, मैं कौन हूँ। ऐसे ही क्या है टेक दी परमिशन, उससे पूछिए परमिशन लीजिए क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ही यूज़ सिंपल लैंग्वेज, और आपको लैंग्वेज क्या है बहुत इजी यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको पहले आप क्या करिए डिस्कस करिए। और क्या है डू नॉट रिफ्यूज़ दी क्लेरिफाई ऑन द डाउट्स ऑफ लिसनर, और जिससे आप बात कर रहे हैं अगर उसके कुछ डाउट्स हैं तो उसको क्लियर करने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि अगर उसने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप कन्नी मार के निकल जा रहे, नहीं, उसका जो भी डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करिए, ठीक। अगर नहीं मालूम है तो सॉरी बोल दीजिए, लेकिन अगर मालूम है तो डाउट उसके क्लियर करिए। ये नहीं कि अपने फ़ायदे की बातें तो कर रहे हैं, जो निगेटिव बात है वो बता नहीं रहे, अगर वो पूछ रहा है तो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये मत करिए आप। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, यानी फ़ोन पर जो आप बात कर रहे हैं उसके क्या एडवांटेज हैं, तो इसके क्या है टाइम सेविंग, इससे क्या है टाइम बचता है आपका।
किस तरह का टाइम बचता है, तो जैसे कि इट सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम लाइक ट्रेवलिंग टू रिसीवर। मान लीजिए आप वहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे हूँ, मुझे आपसे क्या है, आपका इंटरव्यू लेना है, आपसे कुछ बात करनी है, तो एक तो मैं जाऊँ आपके पास सफ़र करके, आप मान लीजिए 1000 किलोमीटर दिल्ली के अंदर हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो ये टाइम लगेगा ना, बहुत सारा टाइम मेरा, कम से कम 12 घंटा 18 घंटा तो यही लग जाएगा। तो टाइम इस तरीके से बचता है कि मैंने फ़ोन उठाया और आपसे बात कर ली, ठीक। दूसरा क्या, कन्वीनियंस है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, जिससे भी जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो जाने में आने में दिक्कत तो है ना, तो ये दिक्कत भी आपको नहीं करना है। कन्वीनियंस है इसमें कि इसमें बहुत सारी आसानी है। सम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट वन टू वन मीटिंग, कभी ऐसा होता है कि आप वन टू वन यानी फेस टू फेस मीटिंग क्या है कंडक्ट नहीं कर सकते। इन सच केसेस टेलीफोनिक कन्वर्जेशन प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है वो हमको एक प्लेटफॉर्म देता है कि वहाँ पे हम अपनी बात कर सकते हैं। ऐसे क्या ये सस्ता भी है, जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे जाना ही है, मैं आपके पास जाऊँ तो मेरे कम से कम 1000, आप दिल्ली के अंदर हैं तो कम से कम मेरे 1000-1500 खर्चा हो जाएंगे, और फ़ोन से करूँ तो कोई खर्चा नहीं, तो ये हमारे लिए सस्ता भी है, ठीक। मान लीजिए मैं जा रहा हूँ आपके पास, तो जो हमारा ट्रेन का खर्चा है या बस का जो खर्चा है वो अलग, मैं कहाँ रहूँगा जाके, उसका जो खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, तो सारे खर्चे हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ पर्सनल टच। तो इसमें क्या है कि पर्सनल टच नहीं हो पाएगा। पर्सनल टच का मतलब, मान लीजिए हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो जैसे होता है ना कि सामने वाले के कंधे पे कभी आदमी हाथ रख देता है, तो थोड़ा सा उसको क्या अपनाइयत का एहसास होता है। जैसे मान लीजिए जाते हैं ना, कभी हाथ मिला लेते हैं, तो हाथ मिलाते हैं तो उससे भी थोड़ा सा आदमी को क्या है अपनाइयत का एहसास होता है। तो जो आप फ़ोन पे बात करेंगे तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं हो पाएगा, यही कह रहे हैं कि पर्सनल टच या पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। अगर पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है या डायरेक्टली आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, तो ये आदमी इससे क्या होता है, थोड़ा सा बात की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है, ठीक। तो ये टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में मुमकिन नहीं है। दूसरा क्या है, डिपेंडेंसी ऑन वॉइस ओनली। अगर आप टेलीफोन के थ्रू ये काम कर रहे हैं, तो इसमें आदमी को सिर्फ आपके वॉइस पे डिपेंड करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें ना, ये उस वक्त की हैं जब मतलब पूरा इंटरनेट का इतना ज़माना नहीं था, और ये ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग ये सारी चीज़ें नहीं थी, इसलिए इस तरह की आप बातें इसमें देखेंगे कि इसमें सिर्फ आदमी को वॉइस पे डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो आदमी क्या है, उसको सब कुछ सामने देखता है, फिर भी इसमें दिक्कत है। मान लीजिए आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है, तब भी दिक्कत हो सकती है। तो जो भी है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि आदमी क्या है डायरेक्टली जाके किसी से बात करे। तो इसमें क्या है, डिपेंड्स ओनली वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज यहां कर लीजिए, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर आर एब्सेंस विच डिक्रीज द इफेक्टिवनेस। तो इसमें क्या है, हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर है, ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, इसलिए इतना इफेक्टिव ये नहीं होता है। और क्या है, तीसरा पुअर कनेक्टिविटी। अगर मान लीजिए आपका कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, मान लीजिए फ़ोन कर रहे हैं बार बार आवाज़ कट रही है, तो इससे भी क्या इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, आदमी को मज़ा नहीं आएगा आपकी बात में, ठीक है। ऐसे ही इसमें प्राइवेसी का भी खतरा है, आपकी प्राइवेसी क्या है, प्राइवेसी नहीं रह जाती है अगर आप क्या है फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं, चूँकि वो आदमी आपकी बात को रिकॉर्ड कर सकता है, वीडियो कॉलिंग कर रहा है उसको रिकॉर्ड कर सकता है। तो अगर आप कोई अपनी मीटिंग को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो प्राइवेट नहीं रह सकती है। ऐसे ही जो कंपनियाँ जो प्रोवाइड कराती हैं, जो नेट प्रोवाइड करा रही हैं, जिस कंपनी का आप सिम यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपकी बातों को सारे रिकॉर्ड करती हैं, व्हाट्सएप आपकी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। तो ये प्राइवेसी भी क्या है, आपकी जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट नहीं रहती हैं, तो ये भी एक क्या है डिसएडवांटेज है इसका, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे रिटन कम्युनिकेशन स्किल, क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिटन कम्युनिकेशन स्किल। तो इसके डेफिनेशन क्या है, तो आप समझ रहे हैं कि इट इज़ ए टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जो रिटन कम्युनिकेशन स्किल है, ये भी एक तरीके का क्या है वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी इसमें भी वर्ड्स यूज़ होते हैं। अगर यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा हो तो एक बार जाइए पीछे और क्लासिफिकेशन को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये भी एक तरीके का क्या है वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें इन विच मैसेज आर डिलीवर विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बल। इसमें भी क्या जो मैसेज यूज़ होते हैं, जो मैसेज पहुँचाया जाता है किसी को, तो उसमें भी क्या वर्ड्स और सिम्बल वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि और ये जो है लिखने के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम जो भी अपना मैसेज और जो भी कुछ पहुंचाते हैं वो लिख कर पहुंचाते हैं, जो क्या कहते हैं ये रिटन वाला हो गया। और जो होता है ओरल, उसमें हम लोग वर्ड उसमें भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग माउथ के थ्रू क्या है अपना मैसेज पहुँचाते हैं, और इसमें अपना मैसेज हम लोग भी, इसमें भी हम लोग अपना मैसेज वर्ड्स के थ्रू पहुँचाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं रिटन फॉर्म में होता है, चाहे वो हैंड रिटन हो चाहे प्रिंटेड हो, लेकिन अपनी बात किसी को हम लोग क्या करते हैं रिटन फॉर्म में पहुँचाते हैं। जैसे कि
मान लिया किसी को लेटर भेज दिया, ईमेल भेज दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, तो ये सब जो तरीके हैं वो किस में आएंगे, रिटन कम्युनिकेशन में आएंगे। तो इसकी भी अपनी एक अहमियत है, जैसे कि इट इज़ मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो फॉर्म है ये फॉर्मल है, ये जो तरीका है कम्युनिकेशन का ये फॉर्मल है, यानी ये ऑफिशियली है। यानी जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कहीं अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपके क्या है, आपके जो डायरेक्टर है, जो डीन है, उनसे बात करनी है, ठीक, तो आप डायरेक्टली बात नहीं करते बल्कि ये कहते हैं कि जाओ एप्लीकेशन लिख के लाओ, छुट्टी लेनी है आपको, जाओ एप्लीकेशन लिख के लाओ। तो ये एप्लीकेशन क्या है, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन का सिस्टम है, लेकिन ये फॉर्मल सिस्टम है, यानी ऑफिशियली समझ लीजिए ऑफिस वगैरह में, ताकि इससे क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार हो सकता है। आपने डायरेक्टली उनसे जाके बात कही कि मुझे बुखार है और मैं घर जा रहा हूँ, उन्होंने छुट्टी दे दी, मान लीजिए आपके साथ कुछ हो गया और कोई आ रहा है उनके पास में और पूछ रहा है कि मेरा लड़का कहाँ है, तो वो कहेंगे वो तो छुट्टी लेके गया, कहिए कुछ दिखाइए कि छुट्टी लेके गया, आपसे परमिशन लेके गया, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो इसलिए ये जो फॉर्म है ना, जो रिटर्न वाला, ये एक तरीके से फॉर्मल है, इससे आदमी क्या है डॉक्यूमेंट कर सकता है, किसी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रख सकता है, तो इसलिए ये क्या है फ़ायदेमंद है, ठीक। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये फॉर्मल है, ये फॉर्मल तरीका है और ये इसके फ़ायदे भी है। जैसे कि मैंने एक बताया, रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर जनरली प्रीफर्ड When formal communication is required, ये कह रहे हैं कि जो written form of communication है इसको हम लोग उस वक्त ज़्यादातर मतलब use करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा हम लोग उस वक्त तरजीह देते हैं, यानी इसको ज़्यादा मतलब हम लोग महत्व देते हैं उस वक्त जब हमको formal communication करना हो। जैसे कि मान लीजिए किसी ऑफिस में, किसी बैंक में जाते हैं और बताते हैं कि मेरा ATM जो है वो गायब हो गया, इसको बंद कर दीजिए, तो कहता है कि एप्लीकेशन लिख के दो। तो समझ रहे हैं ना, ऑफिस में, बैंक में, डाकखाने में, किसी कंपनी में जब अपनी कोई बात रखनी रहती है तो वहाँ पे इस तरीके की कम्युनिकेशन यूज़ होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ जनरली यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसी तरीके का कम्युनिकेशन क्या होता है, यूज़ किया जाता है, यानी पूरा रिकॉर्ड बना के रख दिया जाता है, डॉक्यूमेंट बना के उसको सजा के रख सकते हैं। ऐसे ही दी इंस्टीट्यूशन एंड कंपनीज यूज़ रिटर्न फॉर्म, ये कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है, यानी जैसे मान लीजिए स्कूल है, कॉलेजेस हैं, ऐसे ही जो कंपनीज़ वगैरह हैं या बैंक वगैरह हैं, वो लोग क्या करते हैं, रिटर्न फॉर्म जो है ना, कम्युनिकेशन का रिटर्न फॉर्म है उसको यूज़ करते हैं, ठीक। यानी कोई बात उसमें लिख के कही जाती है, क्यों करते हैं, फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डिसीजन। अब जब भी मान लीजिए कोई, उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, कोई मीटिंग की और ये कहा कि आज से हमारे यहाँ ये चीज़ें क्या होंगी, लागू होंगी, कोई डिसीजन लिया, तो ये नहीं कि बातों में रख गया बल्कि उसको लिख के रखते हैं, इसलिए तो वही कह रहे हैं कि फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डिसीजन। और क्या कहते हैं, टू मेंटेन रिकॉर्ड, और उससे क्या है, जो रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा सकता है, यानी उसको रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय तक, और उसमें ऐसा नहीं है कि फाइल करप्ट हो गया। मान लीजिए कई बार मैं वीडियो बनाता था, वीडियो बनाने के बाद ले जाता था, जब उसको अपलोड करने के पता चला कि करप्ट हो गया, तो उसमें ये दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने PDF बनाया हो और PDF करप्ट हो गया हो, समझ में आ रही बात। तो इसका फ़ायदा कि ये PDF है, ये करप्ट नहीं होगा, ये वीडियो बना रहा हूँ ये रिकॉर्ड होता है करप्ट हो जाता है, ठीक। देर इज़ नो नीड टू प्रेजेंट एट द सेम टाइम ऑफ रिसीवर एंड सेंडर, ये कह रहा है कि जो रिसीवर है और जो सेंडर है उनका एक साथ में हाजिर होना या मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। कि मान लीजिए रिटर्न फॉर्म में मैंने किताब लिख के आपके पास भेज दी, एक मैसेज दे दिया, उसके अंदर आपको जब टाइम मिलेगा आप पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमको मतलब ओरल कम्युनिकेशन करना है तो आपका मेरे सामने होना ज़रूरी है एक ही वक्त में। तो ये कह रहे हैं, अब इसके एडवांटेज क्या हैं, तो इसमें लेस, इसके फ़ायदे क्या हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि लेस चांसेस फॉर मिसयूज़, तो इसके मिसयूज़ करने के चांसेस बहुत कम हैं। देयर आर लेस चांसेस टू मिसयूज़ द रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है, इसको आदमी मिसयूज़ नहीं कर पा रहा। जैसा कि आप देखते हैं कि किसी की पूरी लंबी वीडियो को आधा काटा कहीं से और उसको शेयर कर दिया, तो उसे मिसयूज़ किया जाता है। हालांकि बात को कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो पसे मंजर है, वो बदल जाता है, तो बात कुछ और की कुछ हो जाती है। ऐसे ही इसका, तो इसमें चांसेस बहुत कम है इसके। ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसको रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है आसानी से। ऐसे ही डिकोडिंग टाइम, इसमें आपको डिकोडिंग टाइम ज़्यादा मिल जाता है। इट प्रोवाइड्स ए डिजायरेबल टाइम फॉर डिकोडिंग, यहाँ पे आप कर लीजिए अंडरस्टैंडिंग दी मैसेज। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई किताब है तो उसमें आपको क्या है 10 बार 20 बार 25 बार एक घंटा एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को, आप एक लाइन को आप चाहें तो 20 घंटा दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं और आप कहें कि मुझे 50 बार एक ही बात को बताओ तो मैं बोर हो जाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा। लेकिन किताब से आप 50 बार कहेंगे तो 50 बार वो किताब आपको बताएगी कि ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, समझ में आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें आदमी को डिकोडिंग यानी बात को समझने का टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है जब रिटर्न फॉर्म में कोई चीज़ होती है।
इसके डिसएडवांटेज भी कुछ हैं, जैसे कि ये फॉर्मल है यानी हर आदमी इसको यूज़ नहीं कर सकता है। दिस इज़ ए फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरी पर्सन डज नॉट हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन दिस फॉर्म। अब हर आदमी किसान है वो अपनी बात लिख के नहीं कह सकता जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग यानी ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। मान लीजिए मुझे कोई बात करनी है तो मैं डायरेक्टली आया और बता दिया, तो उसमें मुझे कोई तैयारी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उसको लिखने बैठूँ तो लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है। समझ में आ रही बात? तो ये कह रहे हैं कि टाइम कंज्यूमिंग, ऐसे क्या है डिफ़िकल्टी इन अमेंडमेंट। और अगर मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी, मैंने ये क्या किया एक पीडीएफ तैयार किया आपके पास भेज दिया, उसमें कुछ गलती रह गई तो अब उसको अमेंडमेंट करना, उसको बदलना, ये मेरे लिए क्या बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि पता नहीं किस किस के पास वो क्या है पीडीएफ पहुँच चुका है, अब मैं हर एक से वापस कैसे लूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है और दिक्कत है बड़ी इसको गलती को ठीक करना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अभी और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं क्लास में, मैंने कोई गलत बात बोल दी तो फौरन मैं कह दूंगा सॉरी गलती हो गई, ये ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक। ऐसे ही क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये इतना कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट है एक तरीके से कि देयर आर चांसेस फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग इन रिटन कम्युनिकेशन। इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं, इसलिए कि मान लीजिए हम लोग आमने सामने बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, मैंने कोई बात कही आपको समझ में नहीं आई तो आप दोबारा पूछ लेंगे कि क्या मतलब है, लेकिन किताब में लिखा हुआ है मैंने ये पीडीएफ आपको सेंड कर दिया, आपको कोई बात समझ में नहीं आई, आपने गलत समझ लिया और मुझसे आप पूछने के आपके पास कोई चांसेस नहीं है। या तो आप टेलीग्राम पर मुझसे पूछें, हो सकता है कि आज आंसर दूँ, कल दूँ, एक महीने बाद दूँ, समझ में आ रहा है। तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस क्या हैं थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मुझे भी भूख लग चुकी है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।